भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहावत आज पूरी तरह से सत्य साबित हो गई है, जहां को प्रभु दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। राजस्थान के और देश के बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया जिस बयान को सुनकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से पूरा ब्रह्मांड बना है। इतना घमंड है बीजेपी के लोगों को कि गुलाब चंद जी कटारिया साहब का बयान आया है कि भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते, जो भगवान राम पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है और जिनके लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, न्याय के राम, मेरे राम, और जिनका राम, जिन राम का नाम लेकर आप सत्ता में आए, जिन राम के नाम से पत्थर तैर गए, जिन राम के नाम से बीजेपी भी चल गई, जिस बीजेपी का आज़ादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं, जिसका देश, मतलब बीजेपी बात ऐसी कर रही जैसे आज़ादी से पहले यही लड़ रहे थे देश में धर्म की रक्षा के लिए, इतने बड़े बड़े बोल बोलना। वो कहावत है ना कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पहले तो आदरणीय कटारिया साहब ने महाराणा प्रताप के, जो महाराणा प्रताप देश के गौरव, स्वाभिमान के गौरव, प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, अब भगवान राम के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। इतना घमंड है, वो लोगों से कह रहे नाली की बात मत कीजिए, सड़क की बात मत कीजिए, विकास की बात मत कीजिए, महंगाई की बात मत कीजिए। आग लग रही है बीजेपी के, बीजेपी के लोग परेशान हैं क्योंकि ये लोग महंगाई के मुद्दे पर जीत कर आए, झूठ बोलकर जीत कर आए, 15 लाख अच्छे दिन का वादा कर जीत कर आए। किसान परेशान है, लोग भूख से मर रहे हैं, केंद्र सरकार फेल हो गई, घोषणा पत्र का जवाब देते नहीं है, मुद्दों का जवाब देते नहीं है, नारे जो झूठ बोले 15 लाख के अच्छे दिन के उन पर जवाब देते नहीं है। आज उस बीजेपी के इतने बड़े नेता ने ये कह दिया कि हम नहीं होते, भाजपा नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी है। प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को ये बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि जो गुलाब चंद जी कटारिया जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इनके साथ खड़ी है, वो खुद कह रहे हैं, तो इसका मतलब बीजेपी के नेता राम से बड़े हो गए। राम मंदिर बीजेपी की मेहरबानी से नहीं बन रहा है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने तो राम के नाम पर जब आंदोलन किया तब हजारों लोग मर गए, लेकिन जब राम जी को, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, न्याय के देवता हैं, जब उनकी इच्छा हुई मामला शांत हो गया, सब खत्म हो गया, लड़ाई झगड़े झंझट खत्म हो गए, सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला और सब पक्षों ने यह लिख कर दिया कि जो राम मंदिर के लिए फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट जो न्याय करेगा वो न्याय हम सबको मंजूर होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पक्षों ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद फैसला आया कि राम जी का मंदिर अयोध्या में बनेगा। ये बीजेपी ये सरकार का फैसला नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार का फैसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान के जो न्याय का प्रमुख है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्योंकि भगवान राम ऐसे ही हैं, वो इसी तरह से न्याय करते हैं, तो उनके मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से ही आना था। बीजेपी चंदा इकट्ठा कर सकती है लेकिन फैसला नहीं कर सकती, चंदे का हिसाब मत दो लेकिन भगवान राम के ऊपर मत आओ, आप भगवान राम से ऊपर नहीं है, आप देश के करोड़ों 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 भगवान राम के जो भक्त है उनका अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी अब हमारे भगवान राम के लिए ये कह रही है, वो चैलेंज कर रही है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को, करोड़ों राम भक्तों को, कह रही है कि यदि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। क्या बात कर रहे हो, अरे भाई बिना बीजेपी के भी भगवान राम की वहां पर पूजा होती थी, सदियों से हो रही है, बहुत राजे महाराजाओं ने संघर्ष किया, बहुत जनता लड़ी मरी, बहुत संतों ने संघर्ष किया, साधु सन्यासी संत, अयोध्या तो शुरू से पूजनीय है, वहां का अपना एक इतिहास है, हम जैसे करोड़ों लोग भगवान राम के वंशज हैं, हम लोग भगवान राम का नाम लेकर, हम सूर्यवंशी सारे उनका नाम लेकर जीते हैं, और आप भगवान राम का अपमान कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, ठीक है पेट्रोल डीजल महंगा कर दो, रोजगार मत दो, गैस सिलेंडर में महंगाई कर दो, नाली सड़क पर विश्वास मत करो, विकास पर विश्वास मत करो, यही तो कह रहे हैं कटारिया जी वल्लभ नगर में जाकर, नाली की बात मत करो, सड़क की बात मत करो, विकास की बात मत करो, यदि हम नहीं होते तो राम नहीं होता, हम नहीं होते तो धर्म नहीं होता, ये आजादी से पहले बने नहीं, आजादी के आंदोलन में तो ये कहीं थे ही नहीं, इनका इतिहास कितना पुराना, कब बनी है बीजेपी, इतना घमंड।
ये जो घमंड की भाषा बोल रहे हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को और प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। देश जवाब चाहता है। बार बार इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, अपने आप को भगवान राम से बड़ा बताना, ये बीजेपी के नेताओं की आदत में आ गया। इसका जवाब इनको देना चाहिए। आज भगवान राम पे बात हो रही है और राम से बड़ा कोई नहीं, इसलिए आज जब राम पे बात हो रही है तो राम जी पे बात कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ा कोई पाप कर नहीं सकती और इससे बड़ी कोई बात देश की राजनीति में हो नहीं सकती। पार्टियां, हम, पूरा ब्रह्मांड भगवान राम से। भगवान राम के अस्तित्व को कोई चैलेंज करे, अपने आप को भगवान राम से बड़ा बताए, उसके बाद इससे बड़ा कोई इश्यू नहीं है।